दोस्तों दिल्ली से कोलकाता यानी कि हावड़ा लगभग 1450 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से हावड़ा ट्रेवल करने में सबसे फास्ट ट्रेन भी अभी 17 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगाती है। लेकिन अब दिल्ली से हावड़ा के बीच का ट्रेवल टाइम घटकर मात्र 12 घंटे का होने वाला है, क्योंकि इस रेल रूट में रेलवे ट्रैक को इम्प्रूव करके ट्रेन की स्पीड को 160 किलोमीटर पर आवर किया जाएगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है रेलवे का मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट और दिल्ली हावड़ा के अलावा और किस किस रूट में इस प्रोजेक्ट में अभी काम चल रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, लेकिन हमारे देश में ट्रेन की स्पीड काफी स्लो है। तो इंडियन रेलवे के ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने के लिए फिलहाल मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। 2017 में इंडियन रेलवे के द्वारा मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसमें सबसे पहले अपने देश के दो सबसे बिजी रेल रूट यानी कि दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली से मुंबई रेल लाइन को इम्प्रूव करके इस रूट में ट्रेन की स्पीड को 160 किलोमीटर पर आवर करना है, ताकि दिल्ली से हावड़ा या फिर दिल्ली से मुंबई मात्र 12 घंटे में ट्रैवल किया जा सके। दोनों रेल रूट को इम्प्रूव करने में लगभग 13,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये दोनों रेल रूट देश के सबसे बिजी रेल रूट हैं, जिसमें 29% पैसेंजर ट्रैफिक और लगभग 20% फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो चलिए अब दिल्ली हावड़ा रेल रूट के इम्प्रूवमेंट के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों दिल्ली से हावड़ा तक रेल रूट की टोटल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और इस रेल लाइन को ग्रैंड कोट रेलवे सेक्शन भी कहा जाता है। इस सेक्शन में अभी मैक्सिमम 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ऑपरेट होती है और दिल्ली से हावड़ा पहुंचने में एक ट्रेन को कम से कम 17 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन इस रेल लाइन में रेलवे ट्रैक को इम्प्रूव किया जा रहा है, जिसके बाद इस रूट में रेलवे की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और दिल्ली से हावड़ा तक मात्र 12 घंटे में ट्रेन से ट्रैवल किया जा सकेगा। रेलवे का मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च हुआ था और अगले 4 साल में यानी कि 2021 के एंड तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, लेकिन कोविड के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। फिलहाल इस रूट में रेलवे ट्रैक के इम्प्रूवमेंट का काम प्रोग्रेस में है और इसे कंप्लीट होने के बाद मात्र 12 घंटे में दिल्ली से हावड़ा ट्रैवल किया जा सकेगा। ये रेल लाइन दिल्ली और वेस्ट बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से भी होकर गुजरती है, इसीलिए इस रूट में रेलवे ट्रैक को इम्प्रूव करने के बाद दिल्ली और वेस्ट बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे स्टेट से होकर गुजरने वाली ट्रेन की स्पीड भी इम्प्रूव होगा और लोगों को ट्रेवल करने में कम से कम समय लगेगा। वैसे 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी इंडियन रेलवे के लिए काफ़ी कम है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कैटेगरी में आएगा और हमें ज़रूरत है हाई स्पीड ट्रेन की, जिसकी मिनिमम स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। वैसे रिसेंटली चाइना ने 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैगलेव ट्रेन चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसीलिए अभी भी इंडियन रेलवे की स्पीड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वैसे इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम इंडियन रेलवे अब स्पीड की तरफ ध्यान देने लगी है और बुलेट ट्रेन के लिए भी कई सारे रूट सेलेक्टेड हैं, जिसमें अभी प्रीलिमिनरी वर्क हो रहा है और अब तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ मिल रहा है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए।